जोधपुर जिले के बिजुरी थाना अंतर्गत आशीष कुशवाहा के यहां रखे कागज के गत्ते में लगी भीषण आग, जिसमें करीब 500 किलो के कागज के गत्ते जल गए। पुट्ठा 5 टीन प्लास्टिक खरीदने वाले आशीष कुशवाहा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके यहां आग भोले सोनी नाम के व्यक्ति ने रंजिश वश आग लगाई है, क्योंकि वह भी उसी व्यवसाय को करता है जिसकी शिकायत भी शंकरलाल कुशवाहा ने थाने में शिकायत भी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपपुर जिले से अभय पाठक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम हुआ? शंकरलाल कुशवाहा। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि रात को यहाँ रामायण हो रही थी अपने यहाँ, है ना, तो ये 11 बजे ख़त्म हुई। 11 बजे ख़त्म होने के बाद में कुछ लोग बोले कि आसन मत उठाओ, यहीं सो जाओ बाहर ही। तो हम बाहर सो गए। उसके बाद इसमें ताला गेट में नहीं लगाया, मेन गेट में खाली बंद करके छोड़ सो गए, है ना। सो गए तो कोई रात कोई गाड़ी आई, गाड़ी से लोग उतरे और क्या कहते हैं यहाँ खोले हैं, उसके बाद में यहाँ आग लगाए हैं। तो क्या ऐसा होता आपने देखा है क्या? हाँ, हम कब देखे हैं कि जब आवाज़ आई खट की, तो वो लोग, मैं पूछा बोला कौन है, तो लोग निकल के भागने लगे। तो हमको शंका हुआ तो हम उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ते गए हैं। अच्छा है, तो वहाँ आगे उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी में बैठे और भाग गए। वो गाड़ी फोर व्हीलर थी, सफ़ेद कलर की। कौन सी गाड़ी थी? सफ़ेद कलर की, ये बोलेरो टाइप की रही। अच्छा, तो शिकायत आपने किया? हाँ, शिकायत करने गया हूँ। फिर उसके बाद आया यहाँ, देखता हूँ तो यहाँ आग लगी हुई है और तेज़ आग बढ़ गई। फिर मैं आग पानी की व्यवस्था करने को लड़कों को उठाया, जब तक और पूरी आग पकड़ ली। करीब ये 15 मिनट टाइम लग गया इसी में, पानी व्यवस्था करने में, लड़कों को उठाने में। तो आपका क्या व्यवसाय चलता है? मेरा यही है, रद्दी का है, रद्दी टीना प्लास्टिक पुट्ठा खरीदता हूँ। अच्छा, और तो कोई हानि नहीं हुई? और कोई हानि नहीं हुई है, बच गई, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाती अगर नहीं उठे होते तो। फिर दो जने और यहाँ सोए थे हमारे साथ में, भीषण हादसा हो सकता था। हाँ, घर में दुर्घटना, ये कोई दुर्घटना के लिए किया, मतलब ये सोचा कि मतलब आत्महत्या। आपको किसके ऊपर संदेह? हमको संदेह है खाली भोले सोनी के ऊपर में। ये कौन है? ये भी वहीं रहता है, लोहा वोहा काम करता है, कबाड़ का। अच्छा जी, कहाँ रहता है ये? रहता है दलदल में, नहीं क्या कहते हैं, पटरी पानी में, खान गैरेज के पास में। अच्छा, ऐसा आपको संदेह है? अभी तक आपने इंसानों के गुम होने पर उनके पोस्ट लगे देखे होंगे, और बकायदा खोजने वाले को इनाम भी इन पोस्टर पर लिखा होता है। लेकिन दमोह में एक तोता के गुम होने के पोस्ट लगे हैं, और खोजने वाले को बकायदा एक सफर रुपए का इनाम देने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, तोता के गुमने और पता बताने वाले को इनाम देने का अनाउंस भी कराया जा रहा है, जो इस समय शहर में चर्चाओं का विषय है, और लोग तोता खोजने के लिए पेड़ों की ओर टकटकी लगा रहे हैं। बता दें, पुष्पा खरे के घर में एक तोता पला था, जिसे परिवार के लोग अपने घर के सदस्य की तरह रखते थे, और पूरा दिन तोता परिवार के लोगों के बीच रहता था। 23 मार्च को तोता कहीं खो गया, और काफी तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुष्पा खरे के द्वारा शहर में पोस्ट लगवाए, जिसमें लिखा कि मेरा तोता 23 मार्च गुरुवार को उड़ गया है। आपने इसे किसी के घर पर या पेड़ पर देखा हो? ये मिट्ठू पुच्चू बेटू बोलता है। जो भी व्यक्ति इसकी जानकारी देगा उसे एक सफर रुपए और जिसके घर पर होगा उसे भी एक सफर रुपए का इनाम दिया जाएगा। शहर के चौराहों पर इसी तरह के पोस्ट लगे हैं और अनाउंस हो रहा है। दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। मेरा बेटा, जिसको मैंने बहुत प्यार से पाला, 4-5 बार वो उड़ा, लेकिन हमेशा वापस आ गया।
बाबू डर के चला गया। पूरे दिन भर खेलता था, बिस्तर में सोता है वो। पूरे कूलर चलते पर कभी फैन नहीं चलता। उसका पूरा हम लोग गया। हमारा तोता जिसे हम अपने घर का सदस्य ही मानते हैं, हमारे घर से दिनांक 23 मार्च 2023 गुरुवार को उड़ गया है, जो कि मिट्टू पुच्छू बेटू बोलता है। आपने इसे किसी के घर पर अथवा किसी पेड़ पर देखा हो, जो भी व्यक्ति मुझे इसकी जानकारी देगा उसे 1,000 रुपए और जिसके घर पर ये तोता होगा उसे भी 1,000 रुपए का तुरंत इनाम दिया जाएगा। शीघ्र संपर्क करें दिलीप खरे, श्रीमती पुष्पा खरे, मिशन हॉस्पिटल, शक्तिनगर कॉलोनी, जबलपुर नागा, दमोह। मोबाइल नंबर 98263 70 380 एवं 87704 45 044। इसको हम लोग पूरा परिवार बहुत ही जान से चाहते। 23 तारीख को सुबह मैं दूध वाले का हिसाब करने के लिए घर से निकली, उस समय वो खेल रहा था, खुला रहता है, घर के अंदर जाली लगी हुई है। उसी वक्त मैंने गेट खोला, उसको जाली में चिपकना था, लेकिन जिस समय वो जाली में चिपकने आया मेरे गेट खोलने के कारण वो जाली में नहीं चिपक सका और धोखे से घर से बाहर निकल गया। और जाल नेट लगी हुई थी घर के सामने, जिसके कारण वो डर गया और वो आसपास पता नहीं कहाँ चला गया। और हम लोग 4 दिन से पैदल चल चल के प्रचार कर रहे हैं कि हमारा बाबू घर वापस आ जाए। हमारी बच्ची उदयपुर में पढ़ती है, वहां से वो वापस आ गई। 4 दिन से हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं। हमारे बच्चे को ढूंढने में आप सब हमारी हेल्प कर दो। वो किसी के घर में उतर गया है, वो किसी के घर में है। आप सब लोग हमारी हेल्प कर दो, हमारा बेटा वापस आ जाए। हम लोग का जीवन उसी से है, हम लोग उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अभी इस वक्त हमारे बच्चे लोग पैदल चल चल के ऐलान प्रचार कर रहे हैं। हम घर पे वेट कर रहे हैं कि कहीं हमारा बेटा वापस आ जाएगा। पूरी रात जगते हैं, पूरा दिन जगते हैं, पैदल चलते हैं, सबको बताते हैं। आप लोगों मदद कर दो हमारे बच्चे को वापस लाने में, अकेले हम नहीं कर पा रहे। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी पुलिस टीम के द्वारा 27 अभियुक्तों से संबंधित 585 लीटर देसी शराब को कराया गया विनाशीकरण। अभियान के अंतर्गत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेश में दिनांक 18 मार्च 2023 के अनुपालन में गठित टीम उप जिला अधिकारी टुंडला, क्षेत्राधिकारी टुंडला, थाना अध्यक्ष नगला सिंघी में पुलिस टीम की मौजूदगी में 27 अभियुक्तों से संबंधित कुल 585 लीटर देसी शराब, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के लमसम थी, जिसको कराया गया वशीकरण। जनपद में यह अभियान माल निस्तारण लगातार जारी है। इस अभियान के अंतर्गत एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, यह अभियान फिरोजाबाद में चलाया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है अधिक से अधिक मात्रा में ऐसी शराब को पकड़ा जाए और उसको नष्ट कराया। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। सर, नगला थाना क्षेत्र में एक शराब नष्ट की गई, कितनी कीमत की और कितनी हुई है? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण जनपद में मालों के निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में नगला सिंधी द्वारा कल
27 आबकारी अधिनियम के मुकदमों के अंतर्गत कुल 585 लीटर शराब का माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में विनिष्टीकरण कराया गया है और यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराएं। फिरोजाबाड़ा में मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। यह निरीक्षण नगर को स्मार्ट सिटी बनाने के अग्रसर को लेकर किया गया। फिरोजाबाड़ा में मंडलायुक्त ने नगर निगम के कुछ जगहों का किया निरीक्षण, जिसमें साफ सफाई, चौक चौक बंद व्यवस्थाएं, अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की। उसके बाद एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया, आगरा जिले की तर्ज पर फिरोजाबाड़ा में कुछ बिंदुओं को पॉइंट किया जाएगा, जहां हम शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा सुहाग नगरी साफ और सुंदर दिखाई दे, तो दुनिया में एक अलग पहचान दे और हम फिरोजाबाड़ा के व्यापारियों के साथ बैठकर उनके उपरांत शहर को स्मार्ट बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे, ताकि हमारे शहर में पर्यटन आए और रोजगार को बढ़ावा मिले। इसी के तहत फिरोजाबाड़ा का निरीक्षण किया गया है। फिरोजाबाड़ा से रिहान अली की रिपोर्ट। संबंध में साथ ही जो व्यापार मंडल है और जो लोगों के लिए में काम हो रहा है वहाँ के संबंध में लोगों के साथ वार्ता की जा रही है। इस प्रकार के काम को सर, जैसे जिस तरह अभी दिखाया गया इस पे चित्र जो है, तो सर वही स्थिति रहेगी क्या कुछ और बदलाव होगा? तो हमने आगरा की फिल्म आपको यहाँ दिखाई, वो इसीलिए दिखाई क्योंकि जो प्रेजेंटेशन था उसमें वास्तविक नहीं होता, डाउट रहता है कि वास्तविक आपने पूछा कैसा होगा, जिन्होंने तो जो आगरा का काम हो गया आपको दिखाया, वही मिला जुला के कोशिश करके जैसा दिखाया गया उसी के आसपास काम होगा। और जैसा आगरा में हुआ है वो भी आपको, साथ में वॉके कंट्रोल चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो दिखाया गया। सर जिले के व्यापारियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, सहयोग करें वो? जैसे अभी एम की छुट्टी है, अभी सभी जो यहाँ स्थानीय अधिकारियों ने काम शुरू किया है, सब लोग उनके साथ मिलकर और अपने सुझावों के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर क्या माना जाए कि कितने निर्धारित समय में फिरोजाबाद की आवाम को इस तरीके की तस्वीर? प्लान बनाने के लिए हमने कहा है, हर एक जगह का प्लान बना लें, किस समय कितना कितने दिन में कहाँ कितना काम होगा और